इन दिनों एक और कंपनी पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड खराब हालत का सामना कर रही है और ये आशंका बताई जा रही है कि कंपनी दिवालिया हो सकती है। कंपनी के शेयरों में 29% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर DHFL का शेयर 19.95 रुपए यानी कि 29.15% की गिरावट के साथ 48.50 रुपए पर बंद हुआ। वहीं DHFL के चेयरमैन और MD कपिल वधावन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा हो गया है, वो बहुत ही चिंता की बात है और उनके इस बयान से निवेशकों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर संदेह पैदा हो गया है। कंपनी का कहना है कि बयान का कुछ हिस्सा ही मीडिया ने पब्लिक के सामने रखा है, जिसकी वजह से निवेशकों में घबराहट पैदा हो गई है। कंपनी का कहना है कि मीडिया पूरा स्टेटमेंट पढ़े और लोगों के सामने रखे ताकि तथ्यात्मक बातें सामने आए, न कि इस बात को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाए। कंपनी ने कहा कि हमने कई दबावों को झेला है और मजबूती से हर परिस्थिति का सामना किया है। सितंबर 2018 से कंपनी ने 41,800 करोड़ रुपए का लोन भी चुकाया है। वहीं DHFL ने अप्रैल जून में 2223 करोड़ का घाटा भी देखा है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 134 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था। फिलहाल कंपनी द्वारा रिटेल होलसेल पोर्टफोलियो बेचने के लिए बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बात की जा रही है ताकि कंपनी को दिवालिया होने से बचाया जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।